केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि पर्यावरण संकट से निपटने के लिए भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अन्य देश भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज उन्होंने संसद में कहा कि वे अगले महीने स्पेन में होने वाले COP25 सम्मेलन में भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने हर शहर के वातावरण के अनुरूप क्लीन एयर प्रोग्राम का भी जिक्र किया। हम हमारे रास्ते पर चल रहे हैं, अब दुनिया को चलना है। अगले महीने मैं जाऊंगा स्पेन में, अभी हो रहा है COP25, तो उसके बारे में भारत की भूमिका सीधी है कि भारत अपना काम कर रहा है, हर देश को करना चाहिए। पेरिस में जो वादा किया सबने वो निभाना पड़ेगा, यह हमारा कहना है। और उसके लिए विकसनशील देशों को फाइनेंस मिलना चाहिए, जो कबूल किया था $100 बिलियन, और टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एट कॉस्ट मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलनी चाहिए। हर शहर की कहानी अलग है, हर शहर का बीमारी अलग है, तो उसको इलाज करने के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तैयार किया। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहां से पैसे भी दे रहे, गाइडेंस भी दे रहे, हर सिटी का प्लान अलग हो रहा है। स्मार्ट सिटी में भी, अमृत में भी, सभी रिसोर्सेज से पैसे उसमें डाल रहे हैं ताकि हर शहर का प्रदूषण कम हो, ये उसकी कल्पना है। लेकिन एक सत्य है कि इसमें लोगों की भी भूमिका है, हमारी सबकी भी भूमिका है। आखिर जितने पेड़ हम लगाएंगे उसका प्रदूषण कम होने में निश्चित उपयोग होता है। मुझे पूरा विश्वास है 2030 तक, 30 से पहले ही हमारा एनर्जी मिक्स में 40% सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी का सब रहेगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट